YouTube चैनल संगम पांडे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, हैप्पी नवरात्रा ऑल ऑफ यू। सो गाइज, मैंने आज नवरात्रा को लेकर के ये मेकअप लुक क्रिएट करी है और मैंने इस कलर की साड़ी वियर करी है गाइज। बिल्कुल सिंपल कलर, सिंपल साड़ी है बट कलर इसका बहुत ही प्यारा लग रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे भी हमारा मेकअप का वीडियो आप लोग बहुत पसंद करते हो तो मैं सोची कि मैं आप लोग के लिए क्यों नहीं एक मेकअप के वीडियो और बनाऊं। सो आई होप कि आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आएगा। और मैंने इस मेकअप क्रिएट करने के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट को यूज करी है वो मैं दिखाऊंगी। सो लेट्स सी। सो गाइज, अभी हमारे फेस पे सीरम लगे हुए हैं तो मैंने सीरम यूज नहीं करी है। देन इसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पे लगा रहे हैं प्राइमर जो कि मिलाओ का है। ये प्राइमर बहुत ही अच्छा है गाइज और इसका जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही अच्छी वाली स्मेल देती है तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। देखिए, मैंने यहाँ पे प्राइमर यूज इसलिए कर रही हूँ ताकि जितने भी हमारे पोर्स है वो मिनिमाइज हो जाए और डायरेक्ट मेरे स्किन पे फाउंडेशन या जो भी क्रीम ना लगे। और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लगा रही हूँ फाउंडेशन क्योंकि मैंने कुछ देर पहले सार करके आई थी तो मैंने क्रीम सीरम वगैरह ये सारे लगा लिए थे। देन इसके बाद मैं यहाँ पे सेकेंड ये लक्मी का फाउंडेशन मैं यूज कर रही हूँ। सो बहुत ही अच्छा वाला ये कवरेज प्रोवाइड करता है गाइज। आप नाइट का मेकअप कर रहे हो और डे का मेकअप कर रहे हो बहुत ही अच्छा रहता है। सो देख सकते हैं थोड़ा सा मेरे फिंगर पे गिर गया था तो मैं अच्छे तरीके से उस अपने फेस पे लगा लूंगी। देन इसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से अच्छे तरीके से ये मिला लूंगी गाइज। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कवरेज दे रहा है। अभी मैं पूरे अच्छे से जब अपने फेस पे मिला लूंगी तो और अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छा वाला ये कवरेज देता है गाइज लक्मी का ये फाउंडेशन। आप देख सकते हैं कितना अच्छा वाला कवरेज दिया है और बहुत ही इजीली ब्लेंड भी हो जाता है गाइस, ज्यादा दिक्कतें नहीं होती है। और देख सकते हैं हमारी स्किन कितना ज्यादा स्मूथली लग रहा है, फेयर लग रहा है पहले की अपेक्षा। देन उसके बाद मैं जो यूज कर रही हूँ वो है लैक्मी, सेम लैक्मी ब्रांड का गाइस। यहाँ पे कॉम्पैक्ट में यूज कर रही हूँ ताकि जो हमारे फेस पे थोड़ी ब्लश आ जाए, मेकअप थोड़ा सा मतलब खूबसूरत दिखे। सो मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट यूज कर रही है। देन मैं अपने मेकअप को सेट करने के लिए यहाँ पे यूज कर रही हूँ मिलाओ का मेकअप सेटिंग स्प्रे जो कि लॉन्ग टाइम तक के हमारा ये टिका रहेगा हमारे फेस पे मेकअप गाइज। इसे लगाने के बाद आपको 2 या 3 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि जब तक कि आपकी ये अच्छे से ड्राई ना हो जाए। सो गाइज, ड्राई होने के बाद मैंने यहाँ पे सबसे पहले फिर से यूज कर रही हूँ आईब्रो पेंसिल। मैं आईब्रो को फिल कर रही हूँ गाइज और थोड़ी सी लाइक देख सकते हैं ज्यादा मैंने वो डार्क नहीं करी है, नॉर्मल करी है गाइज। सो नॉर्मल मेरा आईब्रो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने सेम ब्लैक कलर से यूज करी है क्योंकि ब्लैक ही मुझे ज्यादा पसंद है आईब्रोज में। देन यहाँ पे मैं लैक्मी का काजल यूज कर रही हूँ, ऑल टाइम मेरा फेवरेट है गाइज, डेली यूज के लिए बहुत ही अच्छा वाला ये काजल है। सो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा काजल लग गए हैं दोनों आईज में, बहुत ही इजीली लग भी जाते हैं गाइज ये जो काजल है। देन इसके बाद मैं यूज करूंगी यहाँ पे आई शेडो के लिए मैंने बिल्कुल नॉर्मल आई शेडो यहाँ पे यूज करूंगी गाइज। मैंने गोल्डन कलर सिलेक्ट कर लिए क्योंकि आपको पता होगा गोल्डन हमारे लाइक आई शेडो को बेस बनाने के लिए गोल्डन कलर बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। सो मैं यहाँ पे अपने आई शेडो के लिए बेस बना ले रही हूँ, देख सकते हैं मैंने ज्यादा नहीं लगाई है गाइज क्योंकि दिन का मेकअप है तो मैं जो सोची कि ज्यादा हैवी नहीं ऐसा मेकअप करना चाहिए ताकि दिन में वो भद्दा न लगे। देन इसके बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगी मतलब हमारे साड़ी के जो भी कलर है पिंक कलर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ। देन अपने आईज पे लगाऊंगी अच्छे तरीके से
और गाइस बहुत सारे लोग ब्रश से लगाते हैं, मैं भी ब्रश से लगाती हूँ, बट मैं ब्रश से लगाने में कंफर्ट नहीं लग, मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है गाइस, तो मैं इसलिए फिंगर का यूज करती हूँ। आप चाहे तो ब्रश का यहाँ पे आराम से यूज कर सकते हैं, मुझे फिंगर से ही बहुत ज्यादा आसानी से लग जाता है आई शेडो। और देख सकते हैं गाइस कितना सुंदर कलर लग रहा है, मैंने ज्यादा हैवी नहीं लगाई है, बिल्कुल पिंक पिंक सा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। देन इसके साथ मैं थोड़ा सा लगाऊंगी गाइस, हमारी जो साड़ी का कलर है ब्लू कलर है, तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे ब्लू कलर लगाऊंगी ताकि हमारा मिक्स एंड मैच करे हमारा आई शेडो। सो मैं कॉर्नर मतलब साइड में थोड़ा सा ब्लू का दी है, आप देख सकते हैं, ज्यादा मैंने नहीं लगाई है गाइस, बिल्कुल थोड़ा सा लगाई है। देख सकते हैं हमारा यहाँ पे आई शेडो कम्प्लीट हो गया है गाइस। आप लोग को कैसा लगा, कैसा लगा हमारा आई शेडो, आप लोग मुझे कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा। और गाइज आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी नहीं पता है तो हमारा ऑलरेडी नीचे इंस्टाग्राम की आईडी लिखी हुई है, संगम पांडे 2019, बिल्कुल न्यू अकाउंट है गाइज, वहां पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। मैं छोटे छोटे वीडियोस लेकर के आती हूँ अपने एक्टिविटीज के, तो आप वहां पे इंजॉय कर सकते हैं हमारे वीडियो को। दिन मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन की गाइज आईलाइनर यूज कर रही हूँ। ब्लू हेवन की आईलाइनर की जो विंग्स है गाइज बहुत ही अच्छा और कंफर्ट वाली होती है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगता है मुझे इसे यूज करने के बाद, मैं जब भी यूज करती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। देन यहाँ पे मैंने सेम ब्लू हेवन के मस्कारा यूज कर रही हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मस्करा आईलाइनर सारे आईज के मेकअप मेरे कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे। देन इसके बाद मैं सेम पिंक कलर का लिपस्टिक यहाँ पे यूज कर रही हूँ गाइज। गाइज ये लिपस्टिक मैं जब भी यूज एक दो बार मैंने करी है और अच्छे कमेंट्स आए थे कि यदि आपका लिपस्टिक का कलर बहुत ही अच्छा लगा मुझे, देन मैं इस पे ये मैं दूसरे कलर का लगा रही थी, बट मुझे लगा कि क्यों नहीं इस पे पिंक पिंक मैच करेगा, सो मैं इस पे यूज कर ली हूँ। सो गाइज ये लिपस्टिक फर्स्ट टाइम जब लगाओगे, दो तीन कोट लगाने होते तभी जाकर के अच्छा कलर मतलब डार्क आता है, ऐसे वन टाइम में अगर आप यूज करते हो तो बहुत ही हल्का वाला शेड है गाइज। देन यहाँ पे मैं स्विच ब्यूटी का हाईलाइटर यूज कर रही हूँ ताकि जो अपने जितने भी मेकअप है हमारे ऑल हो गए हैं। देन मैंने सिर्फ फिंगर से यहाँ पे मैंने कोई इस मेकअप के लिए मैंने कोई ब्रश का यूज नहीं करी है, आप देख सकते हैं जो भी मैंने मेकअप कर रही हूँ सिर्फ फिंगर की हेल्प से कर रही हूँ गाइज। तो गाइज आप लोग को मेकअप मेरा कैसा लगेगा वो मुझे बहुत जरूर बताइएगा गाइज कि आप लोग को हमारा मेकअप कैसा लगा। एंड बहुत सारे लोग मेरे मेकअप पसंद करते हैं, तो मैं मेकअप का वीडियो बहुत ही ज्यादा बनाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइज। आप लोग को थोड़ा सा पसंद आएगा तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइज, क्योंकि बहुत मेहनत कर करके आप लोग के लिए मैं एक वीडियो बनाती हूँ। दिन में यहाँ पे मैंने सेम पिंक कलर के ब्लश यूज कर रही हूँ, देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे हो गए हैं मेकअप, फेस के मेकअप कंप्लीट हो गए हैं। देन यहाँ पे मैंने हेयर हेयर को अच्छे तरीके से संभाल ले रही हूँ। संभालने के लिए गाइज मैं यहाँ पे सिंदूर नहीं लगाई थी, तो मैं अंदर करके सिंदूर लगा लेती हूँ, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे मैं आगे लगाने वाली थी मांग टीका, तो मांग टीका जब भी मैं लगाती तो सिंदूर दिखता नहीं, इसलिए मैंने अंदर से ही सिंदूर को लगाई है। और जो हमारे यहाँ पे हेयर स्टाइल है गाइज बहुत ही सिंपल और सोवर वाला है, मात्र 30 सेकंड के अंदर में बनने वाला ये हेयर स्टाइल है गाइज, तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ से थोड़े थोड़े को हेयर को लिए हैं बीच मांग करके, और ये बहुत ही सुंदर लगता है गाइज, लाइक नवरात्रि में डांडिया वगैरह में आप बहुत सुंदर लगता है ये हेयर स्टाइल।
तो मैं यहाँ पे ये वाले हेयर स्टाइल इस तरीके से बनाई हूँ। बहुत ज्यादा सिंपल है, मुझे ये हेयर स्टाइल बहुत ही ज्यादा सिंपल लगता है। देन मैं यहाँ पे अपने हेयर को अच्छे तरीके से सुलझा ले रही हूँ। यहाँ पे गाइज डांडिया का ये मेकअप है, तो आप अपने बाल को कोशिश कीजिएगा गाइज कि अच्छे तरीके से संभाल लें, क्योंकि खुले बाल ना आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगा, इधर उधर होंगे एंड मांग टीका सिक्योर भी नहीं हो पाएगा। सो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे मांग टीका भी अच्छे तरीके से सिक्योर हो गए हैं। मैंने अच्छे से क्लिप को यूज करी हूँ यहाँ पे। देन पीछे मैंने जूड़ा की तरह एक बन बना ली और क्लच को लगा ली हूँ गाइज। आप चाहे तो इसमें कुछ भी लाइक हेयर एक्सेसरीज यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं नहीं यूज कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा डांडिया वगैरह में अगर हेयर एक्सेसरीज करेंगे तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाऊंगी। फिर यहाँ पे मैं बिंदी यूज कर रही हूँ, यहाँ पे मैं बिंदी यूज करूंगी गाइस। थोड़ी सी हम अपने साड़ी के कलर को लेकर के यूज करूंगी, क्योंकि पिंक पिंक अगर मैं लगाती तो लिपस्टिक आई शेडो एंड ब्लश सारे पिंक पिंक होते तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इस कलर को सेलेक्ट करी है बिंदी में। और गाइज यहाँ पे हमारा सिर्फ मेकअप सारे कंप्लीट हो गए हैं। देन मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ अपने इयररिंग के जो मांग टीका के साथ हैं। सो ऑल ओवर हमारा वीडियो मेकअप कंप्लीट हो गए हैं गाइज। आप लोगों को